आपको रिमोट कंट्रोल से नहीं चलने दीजिए। आप मेरे साथ लोकसभा में बैठे थे, आपकी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं कांग्रेस पार्टी के स्टेट से कह रहा हूँ, मगर पंजाब को दिल्ली से नहीं चलाना जाया चाहिए। सड़क पे साइड पे किसान मिले, पहले मैंने उनसे खेती के बारे में पूछा, फिर मैंने पूछा भैया बताइए ये आम आदमी पार्टी की नई सरकार आई है इसने क्या किया, उसका जवाब था कि ये रिमोट कंट्रोल सरकार है। मुझे अच्छा नहीं लगा। आम आदमी पार्टी से कांग्रेस पार्टी पंजाब में लड़ेगी, हम आपको हराएंगे, वो अलग बात है, मगर अगर ये किसान कहे रिमोट कंट्रोल सरकार है और मैं पूछूं रिमोट कंट्रोल मतलब और वो कहे राघव चड्ढा, तो ये सही बात नहीं। गुजरात में आपका पैसा गुजरात के चुनाव में इस्तेमाल किया जाए, गुजरात में एडवर्टाइजमेंट दी जाए आपके पैसे से, ये सही नहीं, गलत। ये पंजाब के लोगों का पैसा है। और मैं फिर से कहता हूँ कि भगवंत मान जी मुझे अच्छे लगते हैं, मगर पंजाब को पंजाब से बॉस ये सब दोगलापन है, मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ। देख रहा है विनोद कैसे बातों को घुमाया जाता है मीठी मीठी मुस्कान देकर। रिमोट वाली सरकार है बोलते पंजाब में, और ये कौन बोल रहा है बताओ रिमोट वाली सरकार की बात। ये एक प्रकार की विडंबना ही है लगता है, जो 10 साल तक पीएम रिमोट से चला सकते हैं वो बात कर रहे हैं, दूसरे पे टीका टिप्पणी कर रहे हैं कि यहाँ की सरकार रिमोट से चल रही है, यहाँ की सरकार बैटरी से चल रही है, यहाँ की सरकार डीसी मोटर से चल रही है, यहाँ की सरकार एसी मोटर से चल रही है। और बोल रहे पंजाब का पैसा दिल्ली में यूज़ हो रहा है, क्या हमारे छत्तीसगढ़ का पैसा आपके चुनाव में यूज़ नहीं हो रहा है क्या? जो कश्मीरी पंडितों के साथ यहाँ सरकार अन्याय कर रही है, मेरे से मिलने एक डेलीगेशन आया और उन्होंने अपनी बात रखी, मैं हैरान हो गया। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कश्मीरी पंडितों के डेलीगेशन को कहा कि आपको भीख नहीं मांगनी चाहिए। लेफ्टिनेंट गवर्नर जी ये भीख नहीं मांग रहे हैं, ये अपना हक मांग रहे हैं, और अगर आपको कुछ करना चाहिए तो आपको इनसे माफी मांगनी चाहिए। अभी जम्मू में चल रहा हूँ और यहाँ पे आपके लोग मुझसे मिल रहे हैं, दो तीन चीजें मैं जो वो मुझे कह रहे हैं मैं आपको कहना चाहता हूँ। पहले जम्मू कश्मीर को जम्मू कश्मीर के लोग चलाते थे, आज बाहर के लोग जम्मू और कश्मीर को चला रहे हैं, और हमारा जो हक है, हमारी जो आवाज है, उसको एडमिनिस्ट्रेशन सुनता नहीं है। सारा का सारा ट्रेड बाहर के लोग कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर के लोग देखते रह गए। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बेरोजगारी जम्मू कश्मीर में है। सबसे बड़ा मुद्दा अंत में जो आपका स्टेटहुड का मुद्दा है, कांग्रेस पार्टी पूरा समर्थन आपको, जो आपका स्टेटहुड है उसको रीइंस्टेट करने में पूरा हम दम लगा देंगे। जो कश्मीरी पंडितों के साथ यहाँ सरकार अन्याय, जिस वक्त हमारा ये झंडा वापस आएगा हम उस झंडे को भी उठा लेंगे, मगर जब तक हमारा अपना झंडा डाकुओं ने डाके में ले लिया है तब तक हम किसी और झंडे को हाथ में नहीं उठाएंगे। और वो झंडा हमारे आईन का हिस्सा है, जब इन्होंने खुद ही उस आईन। राहुल जी, इस जगह मैं आपसे सहमत हूँ कि कश्मीर में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, मैं समझता हूँ, क्योंकि वो अभी यूनियन टेरिटरी हो गई है ना, तो वहाँ पत्थरबाजी लोगों का भी क्या काम नहीं चल रहा, बंद हो गया पत्थरबाजी जो हर शुक्रवार के होता था, वो तो अभी फ़िलहाल बंद हो गया, बेरोजगार हो गए बेचारे लोग, इसलिए आपको तकलीफ़ होना बनता है। इस बात से तो मैं आपके सहमत हूँ, क्योंकि पत्थरबाजी फिर चालू करवाइए, उनको रोजगार दीजिए, तब थोड़ा अच्छा लगेगा माहौल। कश्मीर फाइल की कौन बात कर रहे हैं बताइए, कश्मीर के पंडितों की बात कर रहे हैं। जब कश्मीर फाइल आई थी तो उसको प्रोपेगेंडा बोल के खारिज कर दिया जा रहा था कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं बोल के, और आज कश्मीर पहुंच के उनको कश्मीरी पंडितों की याद आई है। मैं इनसे यही कहना चाहता हूँ बस, और कुछ नहीं कहना चाहता। बचपन से इतने नॉटी हो कि कोई कोर्स किए हो, बताइए बताइए, बचपन से इतने नॉटी हो क्या? तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। अरे जब मिल बैठे दो नॉटी लोग, आप मैं और संजय राउत, महबूबा मुफ्ती के गले लग रहे हैं। जो व्यक्ति देश विरोधी बात करता है, जो व्यक्ति ऐसा बोल चुका है मैं भारत का झंडा नहीं उठाऊंगा उठाऊंगी, उसके साथ खड़े होकर भारत जोड़ो की बात कर रहे हैं, बताओ। मैं कुछ बोल ही नहीं सकता यार, मैं उस लायक ही नहीं हूँ कि मैं कुछ बोल पाऊँ। अब आप समझदार हो, आप कुछ सोच के खड़े हुए होगे उसके साथ,
मुझे तो नहीं पता क्या सोच के खड़े हुए, लेकिन जो व्यक्ति भारत का झंडा नहीं उठाऊंगा बोल रहा है उसके साथ जाके गले मिलके भारत जोड़ो बोल रहे हो। मैं कुछ नहीं बोल सकता, मेरे पास शब्द ही नहीं है इसको बोलने के लिए। ये बहरा आदमी भी सुन सकता है, ये चीज समझ सकता, अंधा आदमी देख सकता है सब चीज। मैं नहीं बोल सकता, आई एम सॉरी। मगर जो उस समय लड़ाई थी वही आज लड़ाई है। खरीद लिए लेकिन मेरे भाई को नहीं खरीद पाए और ना कभी खरीद। देखो दीदी, पिंकी दीदी, हम आपका सम्मान करते हैं, आप मादा है बोलकर हम आपकी सम्मान कर रहे हैं। पिंकी दीदी, आप उसको कैसे नीलाम कर सकते हो बताओ है? जो व्यक्ति का कोई मोल ही नहीं है, अनमोल व्यक्ति का आप भाव कैसे लगा सकते हो बताइए। पिंकी दीदी, इस बात पे मैं नाराज हूँ, मेरा भाई को कोई नहीं खरीद सकता वो, ये मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। आप बोल रहे हो कि मेरे भाई को कोई नहीं खरीद सकता, बोल रहे, मैं इस बात से आपसे नाराज हूँ पिंकी दीदी। ये बोलो कि कोई खरीदना नहीं चाहता, आप ये बोल रहे हो कोई खरीद नहीं सकता, यहाँ नाराज हो गया हूँ पिंकी दीदी। मैं आपसे बहुत ज़्यादा नाराज हो गया हूँ। जाओ घी, मैं बात नहीं करूँगा। जो आदमी उसको तो फोकट में कोई ना ले जाए यार। पिंकी दीदी बोल रही मेरे भाई को कोई खरीद नहीं सका है, जो अनमोल चीज है उसको कौन खरीद सकता है यार। पिंकी दीदी, इस बात से तो मैं आपसे नाराज हूँ, मैं बात नहीं करूंगा, जाओ कट। मैं शहीद परिवार का हूँ। जब एक युवा अपनी जान देने के लिए खड़ा होता है और जब वो शहीद होता है तो उसके परिवार को क्या होता है, मैं जानता हूँ, समझता हूँ। सरकार को आर्मी के पीछे, नेवी के पीछे, एयरफोर्स के पीछे नहीं झुकना चाहिए, ये कायरता है। मैं चाहता हूँ हमारा एक भी सिपाही ना शहीद हो। आज पाकिस्तान और चाइना एक हो गए, प्रिपरेशन कर रहे हैं। इट इज नॉट इफ, इट इज वेन। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कोई अंदर नहीं आया, तो हमें क्लियरली ये कहना है भैया आप अंदर आए हो, पब्लिकली कहना आप अंदर आओ, निकलो यहाँ से। अब ये नया हिंट बोलते, मैं शरीफ शहीद परिवार का बच्चा हूँ। नो, वाओ, नखून काट के शहीद होने वाले आज शहीद मान रहे अपने आप को, नखून काट ले रहे तो शहीद हो गए बोलते हैं। मैं चाहता हूं हमारा एक भी सिपाही ना शहीद हो। आज पाकिस्तान और चाइना एक हो गए, प्रिपरेशन कर रहे हैं। इट इज नॉट इफ, इट इज वेन। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कोई अंदर नहीं आया, तो हमें क्लियरली ये कहना है भैया आप अंदर आए हो, पब्लिकली कहना आप अंदर आओ, निकलो यहाँ से। एक दूसरा रास्ता दिखाया है आपके, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ। सिर्फ मैं नहीं खोल रहा हूँ, करोड़ों हिंदुस्तानी खोल रहे हैं। इस यात्रा ने नफरत को मिटाने का काम किया है। एक आदमी आए मेरे साथ, चले, कहते हैं राहुल जी मेरे भाई के साथ मेरी लड़ाई थी, सालों उससे मैंने बात नहीं की, आपकी यात्रा आई। मैंने कहा क्यों ना मैं अपने भाई से बात करूं, और मैंने अपने भाई को फोन लगाया और मैंने कहा भाई अब मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता हूं। और उसके भाई ने उसे कहा मैं भी तुमसे नहीं लड़ना चाहता हूं, जाके वो गले मिल गए। और ये पूरी यात्रा में हो रहा है, बहुत सारे लोग मेरे पास आए, मेरा पुराना मित्र था उससे मैं लड़ गया, मैंने उससे दोस्ती कर ली, मेरा भाई था मैंने उससे दोस्ती कर ली। तो सचमुच में ये यात्रा भारत। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, या आप स्लो फ्लो में कुछ ज्यादा ही बोल गए भाई साहब? अगर आप यात्रा नहीं करते तो अपने भाई से जीवन भर बात नहीं करता ये भाई साहब ज्यादा हो गया, टू मच है मैन, टू मच। और कौन आके आपको पंडाल के बाजू में कुछ ना कुछ पूछता, कोई तीन बच्ची आ जा रही है, कभी कोई जा रहा किसान पूछ दे रहा है, पता नहीं कहाँ का नुक्कड़ उक्कड़ में खड़े रहते हो क्या, चाय वाय ठेला में, टपरी वपरी में, तो कोई भी आके कुछ भी पूछ के चल दे रहा है। भाई साहब घर जोड़ने का भी कार्य करते हैं, मैरिज ब्यूरो वाले हैं नहीं है। देखे नहीं लोगों का मिलन समारोह करवा रहे हो, एक भाई से दूसरे भाई से मिला रहा है, कोई दोस्त से दूसरे दोस्त को मिला रहा है,
भाई मेरी गर्लफ्रेंड का शादी हो गया, कम से कम मेरे को तो मिला दो उससे। हाँ छत्तीसगढ़ में भी यात्रा करो ना एक बार, मेरी गर्लफ्रेंड कम से कम मिल जाएगा मेरे को भी फ़ोन करके, तो मेरा भला नहीं हो जाएगा क्या? प्लीज़ यार प्लीज़। हमने सुना था कि औरों के शादी में अब्दुल्ला दीवाना बोल के, आज हमने देखा है औरों की रैली में अब्दुल्ला दीवाना। नाइस, मेरा अब्दुल तो ऐसा नहीं है। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपसे हमारा कोई भी वीडियो मिस ना हो सके। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नई ऊर्जा के साथ।